आप देख रहे हैं पीएनबी। यदि आपको पिज्जा बर्गर पसंद है और अक्सर इनका स्वाद चखने के लिए मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज या पिज्जा हट जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि न आउटलेट्स पर मिलने वाले जंक फूड में डिटर्जेंट के इस्तेमाल होने वाले केमिकल मिलाए जाते हैं, यानी सीधे तौर पर आपकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। तो आइए इनसे जुड़े कुछ खास बातों को जानते हैं। इस प्लास्टिक को नरम रखता है केमिकल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय, साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोस्टन यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा ये रिसर्च किया गया है कि जर्नल ऑफ एक्सपोजर साइंस एंड एनवायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। रिसर्च में बताया गया है कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, डोमिनोज, टैगो बेल और चिपोटल सहित प्रसिद्ध फूड चेन में मिलने वाले जंक फूड में प्लास्टिक को नरम रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक रसायन पाया गया है। आपको बता दें कि केमिकल मिला ये खाना कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी कर सकता है। शोधकर्ताओं ने इन आउटलेट से हैमबर्गर, फ्राइज, चिकन नगेट्स, चिकन बुरीटोस और पनीर पिज्जा के 64 फूड सैंपल की जाँच की गयी। उन्होंने पाया कि 80% से अधिक खाद्य पदार्थों में DMBP नामक एक फैथलेट और 70% में फैथलेट DEHP था। दोनों ही केमिकल हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक है। शोधकर्ताओं के मुताबिक फैथलेट एक रसायन है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, विनाइल फर्श, डिटर्जेंट, डिस्पोजल दस्ताने, वायर कवर जैसे उत्पादों में वर्षों से किया जाता है। ये रसायन प्लास्टिक को कोमल और मोड़ने योग्य बनाने में मदद करता है ताकि इसे उत्पाद की आवश्यकता के अनुसार ढाला जा सके। इन रसायनों को अस्थमा, बच्चों में ब्रेन से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये किसी व्यक्ति की प्रजनन प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही मांस युक्त भोजन जैसे बरिटोस और चीज बर्गर में रसायनों की मात्रा अधिक थी, जबकि चीज पिज्जा में ये निम्नतर स्तर पर थे। रिसर्च से जुड़े लारिया एडवर्ड्स ने स्वीकार किया कि सभी सैंपल एक ही शहर के थे और विश्लेषण विभिन्न प्रकार के रेस्टोरेंट पर केंद्रित नहीं है। वहीं खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि वह अध्ययन की समीक्षा करेगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके घर का ही खाना खाए, क्योंकि वैसे भी बाहर का खाना, चाहे पिज्जा हो या फिर बर्गर, वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक ही होते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।